ठीक है ना। तो जो लोग अपनी उंगलियों से प्रेम करते हैं, जिसे मां ने चलना सिखाया है, रहिए दोनों हाथ और ताली के साथ, रेडी 1 2 3। सेवा नहीं करते हैं। तो जो लोग माता पिता की दुआएं लेते हैं उनको दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती, और जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, माता पिता की दुआएं नहीं लेते हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ती है? दवाओं की। रोज मेडिकल में आते हैं, डॉक्टर चक्कर काटे शाम सुबह। लेकिन जो लोग माता पिता की दुआ लेते हैं उनके साथ क्या होता है, जरा गौर फरमाना। क्या लिखा के बहुत रोते हैं लेकिन दामन नम नहीं होता। क्या लिखा? के बहुत रोते हैं लेकिन दामन नम नहीं होता, अरे आंसुओं के बरसने का भी कोई मौसम नहीं होता, और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरी माँ के दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। तो जो लोग माता पिता की दुआ लेते हैं, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ, रेडी 1 2 3। जो लोग नीचे नृत्य कर रहे हैं, निवेदन है कि ऊपर आकर प्लीज, पता लगना चाहिए ना कि आनंद आ रहा है, कि जागरण में आनंद आना बहुत जरूरी है, और आनंद हर व्यक्ति ले नहीं सकता जिंदगी में। कोई तो जावे भगवान दरबार में एनी टाइम रो तो ही रहे, मारे तो जिंदगी में कहीं है जो नहीं है, कभी कभी भगवान ने री सजा के जा, हमारे जिंदगी में कभी आनंद रेवे नहीं कोनी। आनंद आता नहीं है, आनंद को छीनना पड़ता है, आनंद लेना पड़ता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, और जल्द से जल्द मंच तक आए। नीचे मैं नीचे हूं, अरे बाप जी मैंने क्यों बुलाओ। Yeah.
कालू के जितने भी भक्त लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके, अरे मैं तो, अरे मैं तो, अरे मैं तो, मैं तो बनाऊं मारी कालू वाली माँ, अरे काली काये माँ, अगती भुला में बेगा आवे जो ये है। और आशापुरा माता जी के अनन्य भक्त लाखन जी कहीं तो मारे दरबार में जावे और कहीं माने हेलो मारे और कहे अभी लाखन जी आया भक्त बुलावे मेगा अब जो ये माँ